हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंडों के साथ, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को लर्निंग टाइम को। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग माई चैनल लर्निंग टाइम। थैंक यू फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट ईओ रिक्रूटमेंट 2020 की वैकेंसी निकली है, जो की 1121 वैकेंसी निकली है, जो की आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये कर्नाटक स्टेट की वैकेंसी निकली है, इसके लिए आपको कर्नाटक लैंग्वेज का आना जरूरी है, तभी आप इसको भर सकते हैं फ्रेंड्स। इसके लिए मेल फीमेल दोनों के लिए है, इसमें आपको 12th पास होना जरूरी होता है, ठीक है। इसकी कोई फीस चार्ज नहीं है। इसकी जो पे स्केल आपको दे रखा है 26,700 लेकर 84,000 पर मंथ तक की है। ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए मेल और फीमेल के लिए अप्लीवर, पर इसके लैंग्वेज आपकी कर्नाटक की कर्नाटक लैंग्वेज का ज्ञान होना, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आइए बात करते हैं। ये आपकी आपकी जो उम्र होनी चाहिए 18 से 40 साल की होनी चाहिए, ठीक है, 18 से 40 साल होनी चाहिए। उसमें जो एज रिलेक्शन दिया हुआ है ना फ्रेंड्स, ये 5 साल दे रखा है एस सी एस टी, यानी यहाँ पे मान लीजिए 45 साल हो सकती है, ओबीसी वालों के 33-43 साल हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, कर लेते हैं। 12th क्लास पास होना चाहिए, ठीक है, आपके जो इक्विवेलेंट किसी भी इंडिया की यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या बोर्ड से होना चाहिए। आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए लोकल लैंग्वेज की, जहां पर आपकी जॉब लगेगी कर्नाटक के बेस्ड है तो कर्नाटक लोकल लैंग्वेज की आपको संपूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो रिटेन एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म जो रिक्वायरमेंट है आपके देख लीजिए, फोटो एंड सिग्नेचर है, और एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए 12th पास का, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, पैन कार्ड या आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। आइए फ्रेंड्स बात करते हैं अब इसकी फॉर्म की जो वैकेंसी है उसके लिंक पर चलते हैं हम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, रेफरेंस नंबर डालना है, यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ डालना है, यहाँ पे आप आपकी डेट ऑफ बर्थ के डालने के बाद फ्रेंड्स ये आपको बैंक का डिस्ट्रिक्ट डालना है, ठीक, बैंक का नेम डालना है और ब्रांच नेम डालना है, चालान नंबर डालना है और सिलेक्ट डेट डालनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डालना और ईयर डालना है, ठीक है। अमाउंट है नहीं है तो उसमें डालने की जरूरत नहीं, चालान का अपलोड चालान करना है, सेव और सबमिट कर देना है, ठीक। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं फ्रेंड्स। अपलोड चालान के बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म है, आपको किस मांडिया गाँव का है तो उसका फुल नेम आपको अपना डालना है, जो की आपके 12th या हाई स्कूल पर जो नाम है, ठीक है। मदर का नाम डालना है यहाँ पर, फादर या हस्बैंड का नाम डालना है, जेंडर यहाँ पे रखना है, ठीक है, मेल या फीमेल बताना है, डेट ऑफ बर्थ बतानी है आपकी किस डेट ऑफ बर्थ है, अप्लाई कैटेगरी डालनी है आप किसमें, अप्लाई कैटेगरी में जनरल में आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं या फिर 2A, 2B, 3A, 3B, ठीक है। ड्यू एब अंडर दिस ग्रुप तो उसको बताना है, ठीक है, एक्स सर्विस मैन है तो उन सबके बारे में आपको बताना है, ठीक है। आर यू गवर्नमेंट सर्विस, आपके गवर्नमेंट सर्विस में काम करते हैं तो उसके बारे में डिटेल देनी है, आप विधवा हैं या पीएचसी हैं तो उसके बारे में बताना है, ठीक है। क्लेम एज रिलेक्शन के लिए आपको सर आपको गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी या सेंसर के उसके बारे में आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक। तो आपको क्वालिफिकेशन एग्जाम जो पास किया था पीएससी का उसके या सीबीएसई, ठीक, उसके बारे में आपको बताना है, यानी आईएससी या 12th के जो भी है उसके यहाँ पे आपको मार्क्स बताने हैं, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स यहाँ पे लिखना है जो आपके वो बताने हैं, एड्रेस और कम्युनिकेशन जो आप जहाँ रहते हैं उस अभी प्रेजेंट में उसका एड्रेस देना है यहाँ पर, ठीक है, जिससे आप कम्युनिकेशन कर सकें। डिस्ट्रिक्ट बताना आप किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, यहाँ पिन नंबर देना है, ईमेल आईडी देनी है, फोन नंबर देना है या मोबाइल नंबर इंटर करना है। फ्रेंड्स आपको फॉर्म भरते समय बहुत ही केयरफुली फॉर्म भरना चाहिए, ठीक है। इससे अगर आपको एक बार ठीक से थोड़ा लेट फॉर्म भर लें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको डिटेल है एक एक चेक करके ही भरें, ठीक है, वरना अदरवाइज में प्रॉब्लम हो जाती है आपको फॉर्म भरते समय, ठीक है। यहाँ पे आपको चूज करना है आपकी जो फाइल है उसको चूज करना है, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं, जैसे आप फाइल भरेंगे उसको प्रीव्यू देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, उसके बाद हम चलते हैं इन्फॉर्मेशन बुकलेट पे चलते हैं। ये आपकी इन्फॉर्मेशन बुकलेट आ रही है फ्रेंड्स, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो फ्रेंड इसके बाद आपको रेफरेंस नंबर और सेलेक्ट डेट वगैरह और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भरनी है, ठीक। इसके बाद आपको एप्लीकेशन स्टेटस पे जाना है, एप्लीकेशन स्टेटस जो आपने फॉर्म भरा है उसकी डिटेल देख सकते हैं।
ठीक है, उसके बाद आपका अपलोड चैलेंज यहाँ से कर देना है। तो इस तरीके से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो और मैं समझता हूँ कि आपको ये हेल्पफुल हो। थैंक यू गाइस, कीप सपोर्ट माई चैनल लर्निंग टाइम।